लास्ट इसके बाद खत्म है बैकअप। उफ कितना एक्साइटेड हूँ मैं, अभी तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बट एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इस फिल्म के सबसे मज़ेदार पार्ट ये है कि आपको पता है कि आप क्या देखने आ रहे हैं, पर उसके बावजूद ही अगले ढाई घंटे में आपको आप किसी भी उम्र के हों वापस 7 साल का बना देती है। और फिर आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उसका इग्निशन ऑन करते हैं और बड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि वो शिट मेरी गाड़ी तो वैसी कन्वर्ट ही नहीं होती। तो दैट्स द फन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। मैं उतना बड़ा फुटबॉल फ़ैन नहीं हूँ जितना बड़ा मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, बट ऑफ कोर्स फुटबॉल ज़्यादा एड्रेनलिन एक्साइटिंग गेम है देखने के लिए। वंस इन अ वाइल देखता हूँ, बहुत लेट आ रहे हैं मैचेस, सुबह शूट होती है, हम एक्टर्स को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता ज़िंदगी में। मैं चाहता था स्पेन यू नो उस जिंक्स को तोड़े कि पिछली बार वो जीती और इस बार उसका कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड भी तकरीबन बाहर है, तो अभी कुछ इटली से मैं चाहता हूँ। मुझे अंडरडॉग्स बड़े पसंद हैं, जिनसे लोग ज़्यादा उम्मीद ना रखते हो वो जब सबको हराते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओके, झलक दिखला जो फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली मैं टीवी थोड़ा कम देखता हूँ। मेरा टीवी ज़्यादातर एक मॉनिटर की तरह इस्तेमाल होता है मेरे डिस्क प्ले करने के लिए। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए आप पूछ रहे हैं एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज कब से वेट हो रहा था इसके अगले पार्ट का, एंड नाउ फाइनली इट्स आउट। एंड आई एम, आप मुझे जब छोड़ेंगे मैं बस अंदर जाऊंगा, क्योंकि मुझे थिएटर में जाना था। अच्छा, प्लीज़ मुझे फिल्म देखनी है बहुत जल्दी, जितनी जल्दी। सवाल बिल्कुल आई थिंक करेक्ट इंसान से पूछा है, बिकॉज इसको कोई गंदी से गंदी मूवी भी हो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो ट्रांसफॉर्मर से बहुत दूर की बात है, इसको कैसी भी मूवी दिखा लो। आप नाम निकलवाना चाहते हैं, मतलब शी मींस टू से कि आप मुझे कैसी भी मूवी दिखा दीजिए, आप मुझे सबटाइटल्स के साथ दिखा दीजिए मूवी, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। इट्स वेरी किसी भी लैंग्वेज में इसको मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है इस मूवी के? कौन से कैरेक्टर सबको सबसे ज्यादा? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक ऑप्टिमस प्राइम, एंड आई हैव नो आइडिया इस फिल्म के साथ उनका क्या होने वाला, बिकॉज ही इज द मेन गाय एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ओनली टू हिम। ओनली देखिए, हाँ मेरी फेवरेट टीम तो थी स्पेन, जो कि अनफॉर्चुनेटली निकल चुकी है अब, और अब मैंने सोचा कि अब मैं अपना पासा किसकी तरफ बदलूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एंड मेरी बेट अब चल रही है मेरे दोस्तों के साथ कि यार घूम फिर के आ जाओ तुम ब्राज़ील पे, आई होप कि वो जीत जाए इस बार। बट बहुत सारी और भी अच्छी टीम्स हैं, विच इज पोर्चुगल इज डूइंग रियली वेल, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए हम आके मुझसे गाना गाने को मत बोलना, पहले हम ट्रांसफॉर्मर्स देखने के लिए आए हैं और कितना एंजॉय कर सकते हैं बताइए हम प्लीज। लेकिन फिर भी बारिश कुछ यादें, बहुत सारी यादें, गाना कोई नहीं हमारे पास बारिश के लिए।